ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आज मैं आपको दो ऐसे फोन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनमें से एक स्मार्टफोन अपने ब्रांड और सेल्फी कैमरा की वजह से फेमस है, तो वहीं दूसरा फोन अपने प्रोसेसर और अपनी बैटरी की वजह से सुर्खियाँ बटोरे हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रांड Xiaomi के Redmi Y2 की और ASUS के Zenfone Max Pro M1 की। तो चलिए बिना किसी देर के देखते हैं इन दोनों फोन्स का स्पेसिफिकेशन बेस्ड कंपैरिजन, जिसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए इनमें से कौन सा फोन सही साबित होगा। अब जब भी आप एक नया स्मार्टफोन खरीदते हैं तो आप उसकी लुक्स और बिल्ड क्वालिटी को जरूर जांच करते हैं। इस केस में आपको ASUS Zenfone Max Pro M1 पसंद आने के ज़्यादा आसार हैं, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो वो मेटल बॉडी वाला स्मार्टफोन है, साथ ही साथ जो उसका कैमरा है वो बॉडी के साथ चिपका हुआ है, यानी बाहर की तरफ नहीं निकला। जबकि अगर आप देखेंगे तो Redmi S2 पॉलीकार्बोनेट बॉडी वाला स्मार्टफोन है और उसका कैमरा भी बाहर की तरफ निकला हुआ है, यानी इस पर स्क्रैचेस लगने के ज़्यादा आसार हैं। पर एनीवे, ये आपकी खुद की चॉइस है कि डिज़ाइन वाइज आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा पसंद आता है, पर देखने में ऑलमोस्ट दोनों ही फ़ोन एक जैसे लगते हैं। यहाँ पर आपको बता दूँ कि कुछ मार्जिन से ही सही, लेकिन ASUS Zenfone Max Pro M1 Redmi S2 से थोड़ा सा भारी है। वहीं बात की जाए डिस्प्ले क्वालिटी की तो ASUS Zenfone Max Pro M1 में आपको मिलता है 5.99 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले, जबकि Redmi S2 में दिया है 5.99 इंच का HD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले। तो यहाँ पर ASUS एक क्लियर कट विनर है क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी मिलती है। परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो उस केस में भी ASUS Zenfone Max Pro M1 आगे है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है Snapdragon 636 चिपसेट, जबकि Redmi S2 में दिया है Snapdragon 625 चिपसेट। हालांकि दोनों में ही आपको 3GB रैम और 4GB रैम मॉडल्स मिल जाते हैं, और दोनों में ही डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट का ऑप्शन भी दिया है। इसके अलावा बात करेंगे बैटरी की तो ASUS में आपको मिलती है 5000mAh की बैटरी, जबकि Redmi S2 में दी है 3080mAh की बैटरी। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि ASUS आपको ज़्यादा अच्छा बैटरी बैकअप देने की क्षमता रखता है। कैमरा वाइज अगर हम देखेंगे तो एटलीस्ट ऑन पेपर्स Redmi Y2 आगे नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है 12+5 मेगापिक्सल का डुअल रेयर सेंसर, और इसमें दिया है f2.2 का अपर्चर। साथ साथ इसका जो पिक्सल साइज है वो है 1.25 माइक्रॉन, और इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिल जाता है। जबकि अगर हम देखेंगे ASUS Zenfone Max Pro M1 में तो उसमें आपको मिलता है 13+5 मेगापिक्सल का डुअल रेयर सेंसर, उसमें भी f2.2 का अपर्चर दिया है, लेकिन उसका पिक्सल साइज कम है, यानी 1.12 माइक्रॉन है, और उसमें आपको कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती। वहीं बात करें फ्रंट कैमरा की तो उस केस में भी Redmi Y2 ही आगे नजर आ रहा है, क्योंकि उसमें आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा विद f2.0 अपर्चर विद LED फ्लैश लाइट। जबकि अगर हम नजर डालेंगे ASUS पे तो उसमें आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर विद f2.0 अपर्चर, दैट टू विद LED फ्लैश लाइट। सॉफ्टवेयर के केस में ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा UI ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि दोनों में ही आपको मिलता है Android Oreo, लेकिन ASUS Zenfone Max Pro M1 में दिया है नियर स्टॉक Android, जबकि Redmi Y2 में MIUI 9 की लेयरिंग दी गई है। अब जैसा कि शुरू में ही सवाल उठा था कि इनमें से कौन सा फ़ोन आपके लिए सही रहेगा, तो यहाँ पर मैं आपको क्रिस्प और शॉर्ट आंसर देता हूँ, यानी ASUS Zenfone Max Pro M1 हर केस में Redmi Y2 से आगे है और अपने बजट के हिसाब से एकदम सही है। लेकिन अगर आपका शौक कैमरा का है, आप सेल्फीज खींचना पसंद करते हैं, तो उस केस में आप Redmi Y2 को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अपने प्राइस रेंज के हिसाब से वो भी कुछ कम नहीं है। पर एनीवे, ये तो थी मेरी राय इन दोनों फोन्स को लेकर। आप क्या सोचते हैं प्लीज़ वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही साथ हमेशा की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड एज यूजुअल अगर आप मुझसे चैट करना चाहते हैं तो आप इन दी गई ID पर जाके मुझसे जुड़ सकते हैं। Until then, this is Keshav Khera signing off.